नमस्कार, आप सभी का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालौर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रेनू चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी वीरमदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालौर। आज की क्लास में हम बीए फाइनल ईयर के ज्योग्राफी विषय के सेकंड थ्योरी पेपर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में इस वर्ष भूगोल विषय में तीन पेपर हैं, दो थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी पेपर में फर्स्ट पेपर है आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सेकंड पेपर है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी या पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में आपके पांच यूनिट हैं, पांचों यूनिट्स का एग्ज़ाम के लिहाज से इक्वल इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट यूनिट है पर्यावरण भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, अन्य विषयों से इसका संबंध, पर्यावरण के तत्व, मानव पर्यावरण संबंध और पर्यावरण अवबोध एवं गुणवत्ता। इस यूनिट में अपन ये जानेंगे कि पर्यावरण भूगोल वास्तव में है क्या। प्राइमरी क्लासेस में या अपर प्राइमरी क्लासेस में हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ते थे। पर्यावरण शब्द से अपन सभी परिचित हैं, उसी पर्यावरण को हम भूगोल से रिलेट करेंगे, संबंधित करेंगे और उसकी परिभाषा निकालेंगे कि पर्यावरण भूगोल क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इस विषय के अंदर क्या क्या अपन पढ़ेंगे, अन्य विषयों से हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे संबंधित कर सकते हैं ये जानेंगे। पर्यावरण के तत्व क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मानव पर्यावरण संबंध। मानव किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण मानव के विकास पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, ये चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट टॉपिक अपना आता है पर्यावरण अवबोध एवं गुणवत्ता। पर्यावरण के बारे में सूचना होना, जानकारी होना ये अलग बात है और उसका ज्ञान होना, अवबोध होना अलग बात है। तो हम इस टॉपिक के अंदर पर्यावरण के विषय में गहराई से जानेंगे और ये भी निश्चित करेंगे कि कैसे हम उसकी गुणवत्ता को अनवरत बनाए रख सकते हैं। सेकंड यूनिट है अपनी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, उसका अर्थ, विषय क्षेत्र और प्रकार। इकोलॉजी के अंतर्गत समस्त जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध होते हैं, जो अंतर क्रियाएँ होती हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है और जीवों के मध्य जो अंतर क्रियाएँ होती हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो इकोलॉजी का अर्थ, उसका विषय क्षेत्र और उसके प्रकार, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो इस टॉपिक में इकोसिस्टम का अर्थ, इकोसिस्टम क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें कौन से घटक शामिल हैं, इकोसिस्टम की क्रियाशीलता, उत्पादकता और उसके स्थायित्व के बारे में जानेंगे कि कैसे एक इकोसिस्टम निरंतर बना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भूजैव रसायन चक्र। इसमें अपने सिलेबस में चार चक्र हैं, जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन चारों तत्वों के बारे में हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से इनकी निरंतरता जैव मंडल में बनी रहती है। नेक्स्ट यूनिट इकाई तीन है पर्यावरणीय समस्याएं। ये यूनिट काफ़ी मायने में अपने आसपास होने वाली जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। हम दिन प्रतिदिन पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ये यूनिट उसी पे बेस्ड है। पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, बढ़ता परिवहन, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग और दिन प्रतिदिन खतरनाक होते जा रहे युद्ध, इन सब कारणों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तत्पश्चात
होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के विषय में जानेंगे। वैसे पर्यावरण प्रदूषण ऐसा नहीं है कि हम उनको अलग अलग प्रकार में विभक्त कर पाएँ, क्योंकि सभी प्रकार के जो भी प्रदूषण अपन पढ़ते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए हम इन्हें कुछ प्रकारों में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इनके कारक क्या हैं, किन वजह से ये बढ़ रहे हैं और कैसे हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में हमने ये जाना कि पर्यावरण मानव पर और मानव पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। ये दोनों आपस में अंतर्क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मानव ने पर्यावरण को अधिक प्रभावित किया है, जिसकी वजह से जो यूनिट थर्ड में अपन ने पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ी वो उत्पन्न हुई हैं और लंबे समय तक इन समस्याओं के बने रहने से पर्यावरण संकट उत्पन्न होते हैं। इन्हीं पर्यावरण संकटों को अपन फोर्थ इकाई में, फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। पर्यावरण संकट हैं ओजोन अक्षय, हरित गृह प्रभाव, एल नीनो जो भारतीय मानसून पर बहुत प्रभाव डालता है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो हाल फिलहाल के वर्षों में काफ़ी विश्व के अनेक स्थानों पे देखने को मिली है, बाढ़, सूखा, इन दोनों से अपन परिचित हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, बड़े बड़े बांधों का ढह जाना, स्वास्थ्य आपदाएं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक आपदा का अपन पिछले 6-7 महीनों से सामना कर रहे हैं और अपन समझ भी रहे हैं कि ये आपदा कितनी भयानक हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है। और उसके पश्चात लास्ट टॉपिक है ऊर्जा संकट। यूनिट थर्ड और फोर्थ में हमने पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं और संकट के बारे में पढ़ा। तो मानव प्रयास करता है कि ये पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरण संकट जो आ गए हैं उनसे हम निदान पा सकें। तो इन्हीं प्रयासों पर आधारित है पर्यावरण प्रबंधन, जो अपनी फिफ्थ यूनिट है। इस फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे अपन पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार क्या हैं, मानव पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़शीलता। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इस टॉपिक में हम मृदा, जल, वन, खनिज और ऊर्जा, इन 5 संसाधनों के संरक्षण के बारे में विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण प्रबंधन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। जब समस्याएं सामने आती हैं तो हम उन्हें दूर करने के लिए प्रयास भी करते हैं। तो पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक सम्मेलन होते हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और पर्यावरण भूगोल का अपना लास्ट टॉपिक आता है पर्यावरण शिक्षा। ये थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में इकाई फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक पर्यावरण भूगोल की परिभाषा एवं उसके विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।